अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खरीद से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साल 2024 के दूसरे लॉ गैट टेस्ट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन इस साल का पहला लॉ गैट 7 जनवरी को कंडक्ट कर चुका है और इस साल का दूसरा लॉ गैट टेस्ट भी एडवर्टाइज कर दिया गया है। कल शाम को ही इसकी एडवर्टाइजमेंट आई है और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट पोर्टल पे डिस्प्ले की जा रही है वो 12 मार्च 2024 है, यानी कि 12/3/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता आज या कल की डेट में हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। याद रहे कि जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई पहले स्टार्ट होते हैं, उसके 24 से 48 घंटों में HEC की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आती है और वो एडवर्टाइजमेंट एक मैकेनिकल वे में आपको बताती है कि अप्लाई कैसे करना है, जिस तरह हर बार एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है। इसके साथ साथ टेस्ट की डेट मेंशन की जाती है कि टेस्ट कंडक्ट कब होना है। ऑनलाइन पोर्टल पे सिर्फ अप्लाई करने की लास्ट डेट डिस्प्ले होती है, अलबत्ता जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें आपको बताया जाता है कि आपका टेस्ट कब कंडक्ट होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट के हवाले से अगर मैं तस्करा करूं तो ये टेस्ट क्योंकि संडे को कंडक्ट होता है, HEC का जो ज़ेली इदारा है एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल, इसके तमाम टेस्ट जो होते हैं ये संडे के दिन कंडक्ट होते हैं। तो 12 अगर लास्ट डेट अप्लाई करने की है तो उसके बाद जो संडे बनता है वो आपका 17 बनता है और 17 के बाद जो संडे बनता है वो 24 मार्च बनता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो लॉ गैट टेस्ट है वो 24 मार्च 2024 को कंडक्ट होना है और इससे अगर थोड़ा डिले होता है, यानी कि इससे अगले हफ्ते में जाता है, तो फिर 31 मार्च 2024 की डेट दी जा सकती है। अलबत्ता आप इस चैनल के साथ इंटरेस्ट रहेंगे, जैसे ही लॉ गैट की एडवर्टाइजमेंट आएगी आपके साथ वो एडवर्टाइजमेंट भी हम शेयर कर देंगे। फिलहाल आप तमाम लोगों के लिए जानना जरूरी है कि लॉ गैट में अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहां सवाल आता है कि एलिजिबल कौन है, अप्लाई कौन कर सकता है। मैंने पहले भी इस तरह की वीडियोस बना के बताया है कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। वो तमाम लोग जो अपना पार्ट 5th LLB 5 ईयर्स का वो कंप्लीट कर चुके हैं, 5 साल LLB प्रोग्राम में उनके पास उनका फाइनल रिजल्ट मौजूद है और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग LLB उनके पास है, वो लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने की। वो तमाम लोग जो LLB के आखिरी साल में हैं, आखिरी सेमेस्टर में हैं, अभी उनके पेपर होने हैं या पेपर हो चुके हैं और रिजल्ट नहीं आया एज़ पर दी एडवर्टाइजमेंट, वो एलिजिबल नहीं है। लास्ट डेट अप्लाई करने की से पहले अगर आपके पास रिजल्ट मौजूद हो, रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपली ये है कि वो तमाम लोग जिनके पास उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट मौजूद है LLB का, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि LLB 5 ईयर्स मैंने क्लियर कर लिया है और पार्ट 5th में हूँ, यानी कि पेपर्स भी दे दिए, रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ या पेपर्स होने वाले हैं, तो अगर ये लॉ गैट मिस कर दिया तो मेरा लाइसेंस डिले हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब अपनी कंसर्न प्रोविंशियल बार काउंसिल की तरफ इंटीमेशन भेजते हैं तो वो इंटीमेशन 6 महीने चलती है। फर्स्ट इंटीमेशन जब आप भेजते हैं आपको लॉ गैट का रिजल्ट देने की जरूरत नहीं होती। जब आप सेकंड इंटीमेशन फाइल करते हैं जो कि 6 महीने का अरसा कंप्लीट होने के बाद, आपका फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले होने के 6 महीने का अरसा कंप्लीट होने के बाद आप सेकंड इंटीमेशन भेजते हैं, तब आपको लॉ गैट का रिजल्ट देना होता है वहां पर, और तब तक 2 लॉ गैट कंडक्ट हो जाते हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि 7 जनवरी को अगर 1 लॉ गैट कंडक्ट हुआ है तो उसके फौरन बाद जो ये फरवरी का महीना है इसमें ही लॉ गैट अनाउंस कर दिया गया है। तो आप लोगों को इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। साल में ये कम से कम जो है वो 3 से 4 दफा कंडक्ट होता है, उस अकॉर्डिंग आप इजीली जो है वो इसमें अपेयर भी हो सकते हैं, इसको एस भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है तैयारी के हवाले से कि आप लॉ गैट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इस चैनल पर काफी ज्यादा वीडियोज मैंने गाइडलाइंस के हवाले से बनाई है कि किस तरीके से आप बेरेक्स को यूज कर सकते हैं, कौन सी ऐसी रिसोर्स है जहां से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। मजीद बड़ा अगर आप और डिटेल्स लेना चाहते हैं स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। लॉ गैट की रिविजन और इसकी प्रिपरेशन के हवाले से हमारा एक बैच भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर इस वक्त जो आपको व्हाट्सएप नजर आ रहा है आप इस पर कॉन्टेक्ट करेंगे, आप हमारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे गाइडलाइंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा प्रिपरेटरी मटीरियल है आप उस पर भी रिलाई कर सकते हैं तैयारी करने के लिए, उस सेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं जिसको बहुत जल्द हम अनाउंस करने वाले हैं। तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमसे इन टच आएं। मैं दुआगो हूं कि आप तमाम लोग इस टेस्ट में जो है वो कामयाबी हासिल करें और अपना लाइसेंस जल्द से जल्द हासिल करें। इसके अलावा लॉ गैट को प्रिपेयर करने के लिए बहुत जल्द हम इस चैनल पर जो है वो प्रिपरेटरी सीरीज भी स्टार्ट करेंगे और मेरा फोकस ये होगा कि वो सीरीज इस तर्ज पे बनाई जाए कि आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिले। मैंने काफी वीडियोस बनाई भी हैं और उन वीडियोस की कंटिन्यूएशन में मैं और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा जल्द, ताकि आप लोग जो है वो उससे इस्तफादा हासिल कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो हमेशा। आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफिज़।